गाइस, वेलकम टू द वीडियो। मैं हूँ सिमरन। तो गाइस, फरवरी का मंथ चल रहा है और ये बहुत ही बेस्ट टाइम होता है समर सीड्स को लगाने का। तो मैंने भी अपने सीड्स मंगवा लिए हैं और ये मुझे बहुत ही रीजनेबल रेट्स में मिले हैं। तो मैंने इन्हें जहाँ से भी मंगवाया है, मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इनको लगाना शुरू करते हैं। मैंने इनको लगाने के लिए लिए हैं डिस्पोजेबल कप्स और इन सब पर मैंने नेम भी लिख लिया है ताकि मुझे बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो। और इनके नीचे मैंने दो तीन होल भी कर लिए हैं। तो सॉइल मिक्सचर मैंने लिया है यहाँ पर प्लेन गार्डन सॉइल और उसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऐड की है। तो चलिए फटाफट से सब में सॉइल ऐड कर लेते हैं। मिट्टी भरने के बाद अब इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मिट्टी नीचे बैठ गई है तो अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी और ऐड करूंगी और फिर उस पर पानी का स्प्रे कर दूंगी। तो मिट्टी अब अच्छे से सेट हो गई है तो इसमें सीड्स लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले है जीनिया डहलिया मिक्स। ये देखिए, इसके सीड्स इस तरह से होते हैं। इन्हें एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएंगे। फिर है गोमफेरना चॉइस मिक्स। इसमें भी बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। ये देखिए, इसके सीड्स इस तरह से होते हैं। इनको भी ऐसे ही लगाएंगे। नेक्स्ट है सनफ्लावर मिनिएचर। ये देखिए, इसके सीड्स इस तरह से होते हैं और इन्हें भी ऐसे ही लगाएंगे। नेक्स्ट है कॉस्मोस ब्राइट लाइट मिक्स। ये हैं इसके सीड्स इस तरह से होते हैं, इनको भी लगा देंगे। नेक्स्ट है अपारजिता। ये देखिए, इसके सीड्स, इनको भी थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा देंगे। नेक्स्ट है पोर्चुला का ग्रैंडी फ्लोरा। ये देखिए, इसके सीड्स बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें भी ऐसे ही लगा देंगे। नेक्स्ट है कॉस्मोस सेंसेशन। ये मुझे गिफ्ट में मिला है। ये देखिए, इसके सीड्स इस तरह से होते हैं, इन्हें भी ऐसे ही लगा देंगे। लास्ट में है गिलार्डिया अरिस्टाटा। ये भी गिफ्ट में मिला है मुझे। ये देखिए, इसके सीड्स इस तरह से होते हैं और इनको भी ऐसे ही लगा देंगे। अब इन सबको मिट्टी की एक लेयर बनाकर अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए ऐसे,
तो चलिए फटाफट से सभी को रेडी कर लेते हैं। अब हमने इन सभी पर अच्छे से पानी स्प्रे कर देना है ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाए और अंदर जो सीड्स हैं वो डिस्टर्ब भी नहीं हों। पानी स्प्रे करने के बाद अब इनको कवर करना है ताकि इनमें मॉइस्चर बना रहे और जर्मिनेशन भी अच्छे से हो सके। मैं इनको अलग-अलग कवर कर रही हूँ, चाहें तो इन्हें एक साथ एक बड़ी पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं या फिर इस तरह से अलग-अलग भी कवर कर सकते हैं। तो गाइस सीड्स को हमने अच्छे से लगा लिया है, अब इनको शेडेड एरिया में रखना है जब तक इनमें जर्मिनेशन नहीं होता। तो इनका जर्मिनेशन अपडेट भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।